अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम माहिम। दोस्तों मुंबई माहिम में आज हम लोग आरिफ भाई के साथ में आए हैं आज, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको कुछ बकरे दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम आरिफ भाई। सो आरिफ भाई, आज धारावी माहिम में आप कहाँ पर लाए, प्लीज़ बताइए थोड़ा। हम लोग यहाँ धारावी माहिम में लेके आए जी, ब्रिज के ऊपर। ब्रिज के ऊपर रहीजा ब्रिज बोलते हैं इसको। हम किसके यहाँ पर आए भाई? गुलाम भाई के। गुलाम भाई के इधर। सो गुलाम भाई भी है हमारे साथ में। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप गुलाम भाई? सो कितने बकरे हैं टोटल अपने पास? छः बकरे हैं। कौन से बकरे से स्टार्ट करेंगे हम लोग? इससे स्टार्ट करेंगे। नंबर वन ब्रीडर हंग है पूरा माशाल्लाह। क्या डिटेल पे भाई ये बकरा? ये 45 से 46 तक है भाई। 45 से 46 की हाइट है। और मैं छेड़ा तो अभी लगा रहा है, अभी थोड़ा सफर में अपना वेट थोड़ा तोड़ा है। हाँ हाँ, 125 120 के आसपास लगभग वेट है भाई। मतलब बहुत दिन बाद ऐसा जेड ब्लैक ब्रीडर देखने मिला है, नया ब्रीडर पंजाबी में। अगर कोई फॉर ब्रीडर देख रहा है, बहुत गर्म बकरा है। इसकी गर्दन वगैरह देखें आप, थोड़ा ब्रीड लेके अगर आप इसको खस्सी करके भी पालेंगे ना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखें आप लोग, फुल गर्म ब्रीडर है। वाह, दांत 6 बताया आपने? 6 दांत अभी लगा रहा है। वाह, मतलब और हाइट बनने के चांसेस हैं भाई। पंजाबी बकरे की खासियत है 5 साल तक हाइट खींचता है अपने जी, दांत मायने नहीं रखते इसके लिए। फुल गरम बकरा, फुल। वाह, ये देना है। कोई भी भाई इंटरेस्टेड हो कांटेक्ट करें, मैं वीडियो के एंड में नंबर भी दूंगा आपको। देखें चेहरा रुबाब, देखें इसका आप, माशाल्लाह। ये सब अपने पाले हुए बकरे हैं ना? भाई अपना फार्म है यूपी में एमए फार्म जी। तो वहाँ पर आप पंजाबी बकरे ज़्यादा पालते हैं? पंजाबी कुछ भी सोचो, मतलब पंजाबी ज़्यादा है जी। सो भाई का फार्म भी है, उसके भी रिलेटेड अगर किसी को कांटेक्ट करना है, यूपी में इनका फार्म, यूपी में बदायूं में। हाँ, ज़िला बदायूं। ज़िला बदायूं है। वाह क्या बकरा है, बहुत मज़ा आ गया देख के पहला बकरा। ये दूसरे बकरे के बारे में बताइए भाई। ये भी भाई 44 हाइट से है जी, इसका भी 110 प्लस वजन है। ये पूरे 8 दांत पर। ये खस्सी है ठीक है, फुल ब्राउन खस्सी है, लॉन्ग ईयर्स, नॉर्मल आईज है, और जैसा बताया भाई ने 100 प्लस वेट है। तो ये कंफर्म वेट है कि एक अंदाज़ा बता रहा है? 110 अपना प्लस ही है। प्लस ही है, ठीक है। तो ये दूसरा बकरा देख लिए, ऐसे और भी कुछ बकरे जो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह में। लाइए भाई दूसरे बकरा। सो दोस्तों तीसरा बकरा देख रहे हम लोग माशाल्लाह, पंजाबी में वाइट आईज, नोज़ भी थोड़ी गुलाबी दिख रही है भाई। तो क्रॉस ब्रीड है क्या? हाँ भाई, ये क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड में माशाल्लाह। क्या डिटेल पे बकरा भाई? ये 43 प्लस हाइट है जी। ये भी 105-110 के करीब वेट है इसका, और ये भी 6 दांत लगा रहा है। 6 दांत अभी लगा रहा है खस्सी। और इसका वज़न क्या बोले? वज़न भाई 110 के आसपास है। 110 के आसपास है। सो ये आपने तोला हुआ वज़न बता रहे कि? ये वज़न भाई वहाँ आने से पहले तोले थे जब, तो अब तो थोड़ा टूटे ही होंगे ना? थोड़ा टूटे होंगे, मैंने तो पहले भी स्टार्टिंग में कह दिया वज़न थोड़ा थोड़ा होगा। थोड़ा ही होगा, सही। तो जो भी है भाई बोल रहे कवर हो जाएगा, ये लेके आप पालने के लिए भी रख सकते हैं। अपने आप पलाई पे भी रखते हैं क्या? पलाई पे यूपी में नहीं, यूपी में भी नहीं रखते हैं। आप रखते हैं मतलब यूपी में यहाँ से वापस भेजना? हाँ नहीं, वो थोड़ा ये हो जाएगा, यहाँ बॉम्बे में नहीं रखते हैं ना वाइट आइज में। नहीं रखवा देंगे जी, अगर बोले तो कहीं रखवा देंगे, बोले तो इधर अपने मुंबई में रखवा देंगे। सही, कलर बहुत अच्छा है इसका, वाइट आइज में है माशाल्लाह। एक अंडू है, बाकी सब खस्सी है ना? बाकी सब खस्सी, ठीक है। सो इसका जो भी रेट होगा आप फ़ोन पे बता देंगे लोग, ठीक है। एक अंदाजे के तौर पे क्या रेट से स्टार्ट हो रहे हैं बकरे? बकरे भाई 50 के करीब में, ठीक है भाई। आइए और चौथा बकरा देखते हैं हम। भाई इसका वेट कितना है? 60 से 65 किलो। 60 से 65 किलो। वाइट आइज में अगेन खस्सी बकरा है। और इसके दांत कितने बोले आप? 14 दांत लगा रहा है भाई। 14 दांत लगा रहा है। तो ये भी बकरा अच्छे कलर में है, पंजाबी नस्ल में है, और अभी तो 4 दांत पे तो हाइट वेट और लेगा भी, ठीक है। तो ये 4 पंजाबी हैं अपने पास, जिसमें 3 खस्सी और 1 अंडू है, ठीक है। अभी और 2 बकरे हैं वो अलग नस्ल में, वो दिखाते हैं आपको। सो ये बकरा देख रहे हैं कि ये पाला हुआ लग रहा है भाई, ये तो यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सी नस्ल में है? अजमेरा। कितना छोटा लाए थे आप इसको? ये हम लोग ने समझो 40 किलो का था अदन। अच्छा, अदन बच्चा ही लाए थे। आज कितने दांत पे है? अभी ये 6 दांत किया। 6 दांत। और ये अंडुल है खस्सी है? अंडुल है। अंडुल ही रखे आपने इसको? बाल वगैरह अच्छे उतरे हुए हैं, मतलब ये फुल सेट है,
हर मौसम देख लिया है बम्बई का, इसने पूरी बारिश भी झेल लिया अलहमदुलिल्लाह। बीमार वगैरह तो नहीं पड़ा था बारिश में? तो अभी आपको निकालना है इसको, ठीक है। दांत कितने अभी इसके, और एक अंदाज़ा वज़न कितना होएगा? अंदाज़ा बोले तो ये 75 के प्लस में, प्लस में ही है। किया था वेट आपने? 76 था, लेकिन अभी बारिश में थोड़ा 19-20 होते रहे। और खाने में क्या दे रहे हो आप इसको? खाने में वही हरी पत्ती, गेहूँ जी, और अपना मकाई का। और वैक्सीनेशन वगैरह कर रहे हो आपके? आपने ही करवा दिए पूरा, ठीक है। तो ये एक बकरा भी देना है आपको, ठीक है। इसके एक और जोड़ीदार है, जैद लेके आओ उसको। ये भी अजमेरा में ही है, गुजरी में। और इसको भी अंडूली रखे आपने, सही है। ये कितने दांत पे? ये भी 6 दांत। और ये लाए थे आप, कितना छोटा लाए थे? ये 7वें आए थे, ये कुछ 35 किलो का। ये छोटा था उससे? हाँ। अच्छा, अच्छी गला पट्टी वगैरह, कलर भी इसका एकदम गोल्डन है, अलग कलर है माशाल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। इसका वज़न कितना होगा? इसका वज़न कुछ 70 से 72 किलो। 70 से 72 किलो, सही है। तो इसने ज़्यादा वज़न गेन कर लिया माशाल्लाह। तो ये दोनों बकरे देने हैं, दोनों अंडुल हैं। जो भी कोई भाई इंटरेस्टेड होगा प्लीज़ कांटेक्ट करें। सो भाई आप दोनों प्लीज़ अपने नंबर्स दे दें ताकि लोग कांटेक्ट कर लें आप। 8407908740, ठीक है। और भाई आपका? 9224728435। किसी को भी देखना है तो उनको माहिम का रहेजा ब्रिज पे आना होगा, ठीक है ना, वहीं ये बकरे सब मौजूद मिल जाएंगे। अगर मुंबई के बाहर से फ़ोन आता है तो क्या आप लोग बाहर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? भी करवा देंगे, वो भी करवा देंगे। जैसे इन्होंने बताया बड़े बकरे तो जो है 50 के ऊपर के रेंज के, जो अंडुल बकरे देखे ये क्या रेंज के होगी अंदाजे के तौर पर? 25 से 30 के बीच में आ जाए। तो जिसको भी चाहिए कॉन्टैक्ट कर लें, और इंशाल्लाह बकरे तो यहीं पले हुए हैं तो सब फिट एंड फाइन अलहमदुलिल्लाह, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने बहुत अच्छे बकरे दिखाए, खास करके ये बकरा बहुत अच्छा लगा मेरे को, सबसे टॉप ब्रीडर दिखा माशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें, अस्सलामुअलैकुम।